ढोल नगाड़े और शहनाइयों से स्वागत करो, क्योंकि फाइनली हमारी बांडा मौत को जुगा टक से वापस आ गई है, और वो भी अकेली नहीं, क्योंकि लोगन को जाने वाले तुम भी खुश हो जाओ। 2017 में आई लोगन मूवी का पार्ट 2 जो आ रहा है, और इतना ही नहीं मून नाइट भी अपने सीजन 2 को लेकर मार्वल के दरवाजे पर खड़ा है। क्या बात कर रहे बाबा? अब ये बात मैं नहीं बल्कि इंटरनेट पर मौजूद कुछ कीड़े कर रहे हैं। कौन है ये लोग? अब ये लोग वही है जो कि दुनिया की कुछ बड़ी बड़ी वेबसाइट्स की हेडलाइन को पढ़कर उन पर अपनी ओपिनियन दे देते हैं। तो चलो आज की इस वीडियो में हम मार्केट में उड़ रही इन्हीं कुछ अफवाहों का पर्दाफाश करते हैं कि इनमें से कौन सी सच है और कौन सी झूठी है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट लोगन 2 मूवी। तो हमारे MCU नाम के इस सारे बड़े जंगल में जो सबसे पहली अफवाह निकल के आ रही है वो ये कि मार्वल जल्दी 2017 में आई लोगन मूवी का एक सीक्वल बना रहा है। मतलब वाओ। अब दरअसल मुद्दा ये है कि हाल फिलहाल इंटरनेट पर एक क्लिप बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है, ये वाली क्लिप जिसे खुद अपने गूगल पावर पर प्रमोट कर रहे हैं। मतलब जब मैंने कुछ जरूरी काम के लिए गूगल खोला, अबे साले, अरे फोटो देख रहा था सनी देओल की। अच्छा ठीक है, सनी लियोनी की। बट द मैट्रिक्स की तब गूगल की न्यूज फीड में ये वीडियो आ रही थी जिस पे साफ साफ मोटे मोटे इंग्लिश के शब्दों में लिखा था लोगन 2 फर्स्ट ट्रेलर स्टिल जैकमैन। अब इसके बाद मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। क्योंकि अब मेरे अंदर का 2017 में मरा हुआ लोगन एक बार फिर से जाग गया था और माँ का आशीर्वाद लेकर बिना ज्यादा सोचे समझे मैंने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया देखने के लिए कि चलो लोगन के आगोश में खुद को डुबा लिया जाए। पर जैसे ही वीडियो पर क्लिक करके यूट्यूब पर गया तो मेरे अंदर का लोगन एक बार फिर से मर गया, क्योंकि यार वो एक फैन मेड ट्रेलर था। तो हाँ, कोई लोगन 2 का सीक्वल बिल्कुल नहीं आ रहा है, बट कोई ना, लोगन के दर्शन हमें डेडपूल 3 में हो जाएंगे। बाकी अगर आपने अभी तक व्हाट इफ का सीजन 2 नहीं देखा है तो खुश हो जाओ मेरे भाइयों और बहनों, क्योंकि आपकी भाभी अब वांडा ने फाइनली अपनी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 की डेथ के बाद रिटर्न कर लिया है। मतलब हाँ मेरे साथियों, ढोल और नगाड़ों से स्वागत करो हमारी वांडा का, क्योंकि फाइनली उसने घर वापसी कर ली है। पर हाँ, व्हाट इफ में कर ली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि MCU के मेन यूनिवर्स में भी कर ली है। बाकी अगर बात करें हमारी नेक्स्ट बिग अपडेट की तो वो अपने MCU के नेक्स्ट बिग डैडी कैंग के MCU एक्टर से रिलेटेड आ रही है। मतलब जैसा कि हाल फिलहाल हम सब जानते हैं कि अपने कैंग चीजा के पिछले एक्टर जोनाथन मेजर्स अभी जेल में। हाँ, हाल फिलहाल उन्हें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, जिसमें रिएक्ट करते हुए मार्वल ने भी उनसे अपना मुंह ऐसे फेर लिया है जैसे नो डो टाइप ने इस एवरी इंडियन यूट्यूबर एवर सीक्रेट ट्रेलर को डालकर फोड़ा है। वीडियो आ ही नहीं रही है यार। बाकी अगर टॉपिक में वापस आए तो नाउ डेज मार्वल बी लाइक कौन है, क्यों है? पर अब इस सब के बीच गैंग की रिकास्टिंग को लेकर भी बाजार में कई नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं। पर जो नाम हाल फिलहाल सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं वो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहे। देवी और सजरो, तेरी माँ का बहन चोद, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप होते और तू मेरी बहन का रह साला। अब्दुल मैटीन 2, ये इसने अपने नाम के आगे 2 क्यों लगा रखा है? पर हाँ, आपकी परख एकदम सही है, ये भाई है जिसे हमने एक्वामैन में एस ब्लैक मेंटा देखा था। पर अगर बात करें अगले एक्टर की, विल स्मिथ, जॉन डेविड वॉशिंगटन, आदमी का नाम है या किसी शहर का? शहर का ही है। जॉन बोएगा, लेकिए स्टैनफील्ड, रेगे जीन पेज एंड फाइनली कोलमैन डोमिंगो। अब इन सब में कोलमैन डोमिंगो का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। अब इन सबसे पहले अगर कैंग का कोई यंग वेरिएंट भी आता है, जो कि ऑब्वियसली नहीं आएगा, तो इसके लिए भी एक चेहरा आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है, कैबेल मैकलुगुलो, पढ़ लेना खुद ही। पर ये बच्चा भाई है जिसे हमने स्ट्रेंजर थिंग्स में एज ल्यूक देखा था। बाकी यार, आप इन सब में से किसे नए कैंग के रूप में देखना चाहते हो, अपनी विचारधारा मेरे साथ कमेंट्स में जरूर व्यक्त कीजिएगा। बाकी यार, द मार्वल्स फाइनली OTT पर रिलीज हो चुकी है और मैंने भी अब इसे फाइनली देख लिया है। और यार, वांडा के बाद अब कैप्टन मार्वल ने भी दिल तोड़ दिया है यार, उसने शादी कर ली है। मतलब ना कोई चिट्ठी ना कोई संदेश, कम से कम फ्री का खाना ठूसने के लिए तो बुला लेती। पर इससे परे ये मूवी अपने लास्ट में कुछ बहुत ही ज्यादा कमाल की चीज कर जाती है। मतलब जिसका हम बरसों से इंतजार कर रहे थे उसका आगाज इस मूवी ने कर दिया है। अब लाइक ठोको, बताता हूँ। तो यार, मूवी के लास्ट में अपनी कमाला खान AKA मिस मार्वल के हाथ अपने निक चचा का वो रहस्यमय डिवाइस लग जाता है जिसमें अर्थ के लगभग सभी सुपर हीरोज का डाटा होता है। अब उसी की हेल्प से उन्होंने कमाला खान को भी ढूंढा था। तो मूवी के लास्ट में जब निक चचा कमाला को उसके नए घर में छोड़ने के लिए जाते हैं, तब दुनिया के सबसे काबिल एजेंट निक फ्यूरी को चकमा देकर वो उस डिवाइस को अपने पास रख लेती है। एंड मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में हमें ये दिखाया जाता है कि कमाला पहुंच जाती है मेरी नई MCU प्रेमिका, अबे साले, कैट बिशप के पास। आई लाइक कैट्स, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो।
तो कमाला अपनी कैट बिशप को एक कमाल का ऑफर देती है अवेंजर्स की टीम में शामिल होने का। ये क्या हो गया, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अब हाँ यार, आप बहरे नहीं हो, आपने बिल्कुल सही सुना। अब अगर आप मार्वल कॉमिक्स को भी फॉलो करते हो तो आपको पता ही होगा कि कॉमिक्स में एक यंग अवेंजर्स की टीम करके भी टीम एग्जिस्ट करती है, जिसमें अपने यंग सुपर हीरोज लोग होते हैं। अब इस टॉपिक पर एक डिटेल में वीडियो बन सकती है, जिसमें मैं आपको ये बता सकता हूँ कि यंग अवेंजर्स की टीम में कौन कौन से सुपर हीरोज होते हैं और एमसीयू में वो टीम कैसी होगी, पर उसके ऊपर हम किसी और दिन बात करेंगे। अगर इस वीडियो पर 16 लाइक आ गए तो अभी बना दूंगा, क्या चाहता है। पर फिलहाल के लिए ये समझ लो कि कमाला खान ने एमसीयू में इसकी शुरुआत कर दी है, यानी यंग अवेंजर्स की टीम की। मतलब वो कैट बिशप को ये कहती है कि मैं एक नई अवेंजर्स की टीम बनाने वाली हूँ, जिसमें मैं तुम्हें शामिल होने का निमंत्रण दे रही हूँ। अब कमाला कहती है कि हम दोनों के अलावा एंटमैन की भी एक बेटी है, तो आज 3 सुपर हीरोज तो ऑलरेडी यंग अवेंजर्स की टीम में असेंबल हो चुके हैं। और इन फ्यूचर जिस तरह से द मार्वल के लास्ट में यंग अवेंजर्स को थोड़ा सा सेटअप किया गया है, उसी तरह से कई और बिग प्रोजेक्ट्स के भी लास्ट में यंग अवेंजर्स के और मेंबर्स को भी इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है। और फिर प्रोबेबली कैंग डायनेस्टी एंड सीक्रेट वॉर से पहले हमें यंग अवेंजर्स की एक मूवी भी देखने को मिलेगी। बाकी यार, आप यंग अवेंजर्स के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड अब अगर बात करें आज के फाइनल टॉपिक की, तो वो मून नाइट के सीजन 2 से रिलेटेड है। मतलब इतना ज्यादा अच्छा होने के बावजूद भी इसका सीजन 2 क्यों नहीं आ रहा है? और वहीं सी हल्क जैसे वाहिया शो के दूसरे सीजन की प्लानिंग जोरों शोरों से चल रही थी। तो यार ऐसा इसलिए क्योंकि सी हल्क जैसे शो का सीजन 2 लाना आसान है, क्योंकि इसकी स्टोरी कहीं ना कहीं एमसीयू के लगभग प्रोजेक्ट्स पर अपना असर डालती है। जैसे इसके सीजन 1 ने कई अपकमिंग एमसीयू प्रोजेक्ट्स को छेड़ दिया था, जिनमें सबसे बड़ा नाम वर्ल्ड वॉर हल्क का आता है, और साथ ही में इसके लास्ट के कुछ एपिसोड्स में डेयर डेविल भी अपेयर हुआ था। तो हाँ, कहीं ना कहीं ऐसे शोज बनाना एमसीयू के लिए फायदेमंद भी है। भाई इसके अपोजिट मून नाइट जैसे शोज एमसीयू की सुपरनेचुरल साइड पर ज्यादा फोकस्ड है। अब इसीलिए मून नाइट के सीजन 1 में इतना ज्यादा बवाल मचने के बाद भी किसी भी एमसीयू प्रोजेक्ट पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा, क्योंकि मार्वल की सुपरनेचुरल साइड में अभी तक मून नाइट के अलावा वांडा विजन एंड वेयरवुल्फ बाय नाइट ये दो ही प्रोजेक्ट आए हैं। तो मार्वल पहले धीरे धीरे अपने इन सुपरनेचुरल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड शोज के नंबर्स बढ़ाएगा, इसके बाद वो अपने पिछले कुछ शोज के सीजन 2 लाएगा। अब जैसे मार्वल का अगला सुपरनेचुरल शो एगाथा हंटी पर बेस्ड होने वाला है, तो हाँ इसी कारणवश मून नाइट का सीजन 2 नहीं आ रहा है। बाकी बस यार, आज की वीडियो में इतना ही। अब हाँ, जाते जाते एक लाइक जरूर कर देना। बाकी यार, अगर ये जानना चाहते हो कि वर्ल्ड वॉर हल्क एमसीयू में कैसी होगी, तो यार वो वीडियो तुम्हें इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगी, वैसे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा।